चलिए यहाँ पे हमारे पास एफ सेट आ गया है, सेट एफ है। आप लोग जिनका भी जो भी सेट मिला हो अपना सेट आगे निकाल लेंगे। सिर्फ 10 क्वेश्चन इधर उधर रहते हैं क्वेश्चन में, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आज इतिहास का है ये, इतिहास का हम सोल्यूशन कराने वाले हैं। आपका कोई भी सेट हो आप अपना मिला लीजिएगा। बाकी एफ सेट के लिए स्पेशल वीडियो है, आप लोग अपना आराम से आंसर मिलाइएगा। और जो लोग यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी चैनल पर सब्सक्राइबर हमारे बहुत ही कम है, तो आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें है कि अकबर का संरक्षक, मतलब कि अकबर की रक्षा बचपन में कौन कर रहा था, तो बैरम खां। ऑप्शन नंबर बी इसमें एकदम सही हो जाएगा, बैरम खां। ये महामंगा का हस्बैंड था, यानी कि पति था उसका। आप लोग ये सीरियल देखे होंगे तो उससे भी आपको ये याद होगा। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा एकदम डी ऑप्शन, एकदम सही। यहाँ पे आपको बिल्कुल सही ऑप्शन सब कराया जाएगा, आप लोग को बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन में है कि जहांगीर कब शासक बना, जहांगीर कब शासक बना, तो जब अकबर मर गया था तो उसके बाद जहांगीर बना 1900, यानी कि 1605, 1900 नहीं 1605 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा दूसरे का। तीसरा में क्वेश्चन में है कि नूर जहां का संबंध किसके शासन काल से है, मतलब नूर जहां का संबंध किसके शासन काल से था, तो नूर जहां जहांगीर के शासन काल से इसका संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा है कि चौसा, चौथा में भी चौसा पूछ दिया है कि चौसा का युद्ध कब हुआ, चौसा का युद्ध हुआ था आपको 1539, 1539 ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा चार का। पांचवा है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किससे, अकबर ने किसे हराया, मतलब अकबर ने किसे हराया था, तो अकबर ने हेमू को हराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी पांचवा का ऑप्शन नंबर ए होगा। छुआ देखिए, छुआ में कह रहा है, यहाँ पे एक सेकंड, छुआ में कह रहा है कि मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो मुगल काल में कृषि भूमि को चार भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ये वाला गलत है, यानी कि चार भागों में बांटा गया था। सातवां क्वेश्चन है सात में कि दहशाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया, दहशाला, दहशाला किसने शुरू किया था, तो अकबर ने शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी। आठवां में है कि भूमि जो मुगल साम्राज्य के स्वामित्व में था उसे क्या कहते हैं, मतलब उसे क्या कहते थे उस समय, तो आठवां में उस समय आठवां का यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोलज, यानी कि पोलज उसे कहा जाता था। आगे है नौ नंबर में कि मनसबदारी प्रणाली में जात और स्वार, स्वार जात और स्वार पद की शुरुआत किसने की, तो ये शुरुआत किया था अकबर, नहीं किसने किया था, अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। आगे है दसवां कि शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया था, शेर शाह ने रुपया चलाया था, क्या चलाया था, रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम सही हो जाएगा 10 का बी। 11 है कि नवंबर, 14 नवंबर, 14 नवंबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा बाल दिवस के बारे में बात हो रहा है, कि 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है, तो 14 नवंबर को हम लोग मनाते हैं चाचा नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे, यानी कि बाल दिवस उसी दिन मनाया जाता है। ये ब्लैंक पेज है, यहाँ पे देखिए 12 नंबर से, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इससे पहले 11 था, अभी 12 है, कि संथाल विद्रोह कब हुआ, संथाल विद्रोह हुआ था 1855, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा एकदम सही। 13 में है कि लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था, तो जय जवान जय किसान, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। 14 नंबर में है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो सबको पता है कि बिहार में हुआ था, तो यहाँ पर न राज्य पूछा है न जिला पूछा है, सीधे गाँव दे दिया है, तो गाँव हो जाएगा सी ऑप्शन, जीरा देई गाँव में उनका जन्म हुआ था, तो यहाँ पे गाँव का नाम पूछ दिया है, थोड़ा सा मान लीजिए टॉप दे दिया है, तो कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में कि गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931, 1931 को ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे 16 नंबर में है कि 1885 में किस पार्टी का स्थापना हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885, इस बार उल्टा पूछ दिया, तो इसमें आंसर कर लेना था ऑप्शन नंबर सी 16। 17 है कि गोलमेज सम्मेलन हुए, मतलब कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो 3 गोलमेज सम्मेलन, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो 3 गोलमेज सम्मेलन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा एकदम सही। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एकदम फ्री होता है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। आगे है 18 में कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, यानी कि 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 देखिए, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1800, मतलब 1918 में, 1918, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम हो जाएगा आपको आंसर। आगे है 20 नंबर में कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, यानी गर्म दल और नरम दल, यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया था, यानी 20वां का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है।
इक्कीस है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो कांग्रेस के बम्बई यानी कि मुंबई, उस समय मुंबई था, अब बम्बई हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा बम्बई अधिवेशन में। आगे है 1915 में कि किसकी स्थापना हुई, 1915 में किसकी स्थापना हुई थी? तो 1915 कह रहा है यहाँ पे, 1915, तो इसमें आपको हो जाएगा हिंदू महासभा। क्या हो जाएगा? हिंदू महासभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत है। आगे है 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी किसकी स्थापना की थी? तो इसका आप लोगों को आंसर हमको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी हमको लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही, बाकी इसका आप लोगों को कंफर्म हमको बता देना है। आगे है 24 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? यहाँ पर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? नहीं, नहीं तो कोई लोग सदस्य हैं पढ़ के आगे चल जाते हैं और गलत कर देते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं थे, बाकी सब लोग इसके सदस्य थे। आगे है 25 में कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापिस आए? तो भारत आए थे वो 1915 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। आगे है 26 नंबर में कि हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज किसने लिखा? तो हिंद स्वराज लिखा था आपको महात्मा गांधी ने ही, 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही। आगे है 27 नंबर में कि सर की उपाधि किसके पास है, मतलब किसने धारण की थी सर की उपाधि? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि 27 का हो जाएगा बी। 28 में है कि किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कब ही पारित किया था? तो 1929 में इन्होंने पारित कर दिया था, यानी 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 29 में क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1942 में, मार्च 1942 में ही भारत आया था, यानी कि 29 का हो जाएगा सी। 30 में है कि 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो उस दिन मनाया था मुस्लिम लीग ने, किसने? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 30 तारीख को। आगे है 31 में कि डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी गुजरात में, सबको पता होगा कि डांडी यात्रा गुजरात में ही है, मतलब डांडी यात्रा गांधी जी ने शुरू किया था और डांडी स्थान गुजरात में ही है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे है 32 में कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से किया था? तो बिहार के चंपारण से। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए कितना आसान आसान सब, मतलब कि रनिंग क्वेश्चन ही पूछ दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा 1942, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। आगे है 35 में कि 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? इस पार्टिकुलर ईयर में पूछ दिया है, इसके आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। आगे है 36 में कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के किस दल की सरकार थी, मतलब उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की उस समय सरकार थी ब्रिटेन में वहां पे, ठीक। आगे है कि मोहम्मद अली का संबंध किस आंदोलन से है? इनका संबंध किस आंदोलन से था? तो खिलाफत आंदोलन में इन दोनों ने भाग लिया था, तो इसका 37 का आंसर हो जाएगा सी। 38 है कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 38 का हो जाएगा एकदम सही। 39 में है कि टू नेशन थ्योरी किसकी थी? तो मतलब द्विराष्ट्र की मांग किसने की थी? तो 39 का हो जाएगा आपको, 39 का मोहम्मद अली जिन्ना, इसने ही पाकिस्तान का मांग किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और ये मौलाना आजाद गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। आगे है 40 में कि 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? 1919 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। 41 में है कि अकबर ने धार्मिक यात्रा पर किस वर्ष समाप्त किया, मतलब कब इसने समाप्त कर दिया था? तो 1956 में, 1956 में इसने समाप्त कर दिया था। आगे है किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो अल बरूनी की, किसकी रचना है? तो अल बरूनी की ये रचना है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा, जहां हम अभी बैठे हैं हमसे सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर स्थित है सासाराम में शेरशाह का मकबरा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, मतलब सासाराम में ही इसका मकबरा शेरशाह का स्थित है, ठीक। कभी आइएगा यहाँ पे घूमने। यहाँ क्वेश्चन में कि भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था, मतलब कि अफगानियों का प्रथम यहाँ पे शासक कौन बना था? तो बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक इसी ने यहाँ पे आया था, तो बहलोल लोदी हो जाएगा 44 का आंसर। 45 है कि पुराना किला कहाँ है, पुराना किला कहाँ है? तो पुराना किला आपको पड़ेगा दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 46 है कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, तो आलमगीरपुर आपको स्थित है उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही हो जाएगा। 47 में कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता में क्या प्रचलित था, तो वहां पर लोहा अभी नहीं पता चला था, वहां पे कांस पता चला था, यानी कि सी, यानी कि कांस युग की सभ्यता उसको हम लोग कहते हैं, यानी कि 47 का भी हो जाएगा एकदम सही। 48 में है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था, मतलब इसमें बंदरगाह का नाम क्या था, लोथल बंदरगाह वहां पे था, यानी बंदरगाह लोथल में बंदरगाह था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का सी। 49 में है कि सिंधु सभ्यता में तांबा, तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो तांबा प्राप्त हुआ था राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 49 का आंसर। 50 में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में विश्व विशाल 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 अन्नागार, विशाल अन्नागार, अन्नागार यानी कि अनाज रखने का जगह कहाँ मिला, तो ये मिला था आपको मोहन जोदड़ो में, मोहन जोदड़ो में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही। आगे है 51 में कि संसव किस धातु से बना था, तो संसव बना था सोना से, किससे, सोना से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका एकदम सही। आगे है 52 नंबर में कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब कि कौन चित्र का बहुत शौकीन था, तो जहांगीर ये कला और चित्र का काफी मशहूर, मतलब कि ज्यादा मानता था उस चीजों को, तो इसके काल में ज्यादा चरम पर थी सब। आगे है 53 में कि अकबर का समकालीन इतिहासकार, समकालीन इतिहासकार कह रहा है, तो अकबर का समकालीन इतिहासकार हो जाएगा आपको बदायूनी, बदायूनी इसका समकालीन था। आगे है 54 में कि तबकात ए अकबरी किसकी रचना है, तो ये है निजामुद्दीन अहमद की, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। 55 में है कि निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है, मुगलों द्वारा निर्मित है ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का मकबरा सब है, लेकिन कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत के समय ये बना था, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। 56 में है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में, इसका सही आंसर एकदम सही है डी ऑप्शन। आगे है 57 में कि रामानंद के गुरु कौन थे, रामानंद के गुरु कौन थे, तो रामानंद के गुरु हो जाएंगे आपको कबीर, कौन थे, तो कबीर, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। 58 में है, 58 क्वेश्चन पड़ेगा कि बहाउद्दीन बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है, तो इसका इसका संबंध था मुहा सुहरावर्दी, सुहरावर्दी से इसका सिलसिला था। आगे है 59 में कि सूफी संतों का निवास स्थान क्या था, सूफी संतों का निवास स्थान को बोला जाता है खानकाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। विजयनगर साम्राज्य में किस नगर का संबंध है, मतलब विजयनगर साम्राज्य से अभी के किस नगर का संबंध था, तो हम्पी, हम्पी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम इसका सही। 60 में है कि, 60 हो गया, 61 में है, आगे है आपको 62 नंबर में कि कमल कमल महल कहाँ अवस्थित है, देखिए कमल महल पूछ रहा है, यानी कि लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल आपको पूछ रहा है, तो लोटस टेम्पल भी आपको है हम्पी, कमल महल। आगे है कि अमुक्त माल्याद किसने लिखा, मतलब कि इसके इसके लेखक कौन है, तो ये हरीश प्रथम, यानी कि इन्होंने ही लिखा था। 64 में है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया, तो यहाँ पे शासन किया था आपको चार वंशों ने, चार वंशों ने शासन किया था, तो 64 का हो जाएगा बी। 65 है कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था, मतलब कौन विजयनगर नहीं आया था, तो इसमें हो जाएगा बर्नियर, ये विजयनगर नहीं गया था, बाकी सब लोग विजयनगर चले गए थे। आगे है 66, 66 में पूछ रहा है कि मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है, तो ये रचना थी खाफी खां की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही। आगे है 67 नंबर में कि इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे मोतामिद खां, मोतामिद खां इसके लेखक थे। आगे है कि उसर क्या था, उसर क्या था, तो भूमि कर, भूमि पे लगने वाले कर को उसर बोला जाता था। आगे है बख्तियार खिलजी कौन था, बख्तियार खिलजी एक सेनापति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को गिरा दिया था, तो बख्तियार खिलजी कौन था, सेनापति। आगे है कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ, नादिर शाह ने मतलब आक्रमण कब किया था, वही पूछ रहा है आपको, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ये सबको पता है। आगे है 71 नंबर में कि भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली, तो भारत में पहला रेल आपको पता है 1853 ईस्वी में चला था बंबई से ठाणे के बीच, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका एकदम सही। आगे है 72 नंबर में कि पुतली बाई किसकी माता थी, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है कि पुतली बाई किसकी माता थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो इसमें हो जाएगा आपको महात्मा गांधी की ये रचना है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है।
यहाँ पे 74 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए कैसा क्वेश्चन एकदम पूछा है। तो ये सब आप लोग हमको ऑप्शन में बता दीजिएगा, काफी आसान क्वेश्चन है, हम ये नहीं कराएंगे, किसी बच्चे से भी पूछिएगा तो वो बता देगा। आगे 75 है, 75 में कह रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। आगे है 76 में कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी, 1915 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है कि अल अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया, मतलब इस अखबार को किसने प्रकाशित किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। आगे है 78 में कि शिमला समझौता कब हुआ, शिमला समझौता आपको हुआ था 1945 में, 1945 में इसी समय बेबेल योजना आया था, तो इसी समय समझौता ही हुआ था। आगे है 79 में कि बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911, 1911। संविधान तैयार करने में कितने वर्ष का समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही। आगे है गंधार कला किस कला से प्रभावित थी, गंधार कला आपको किस कला से प्रभावित थी ये बताना है इसमें, तो इसका 61 का सही आंसर आपको हो जाएगा यूनानी कला, कौन सी कला, यूनान कला, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि मौर्य काल का न्यायिक अधिकारी कौन था, मौर्य काल का न्यायिक अधिकारी आपको हो जाएगा, मतलब न्यायिक अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो दंडपाल, दंडपाल कहा जाता था उसे, ठीक। आगे है कि पौण किस धातु का सिक्का था, पौण किस धातु का सिक्का था, तो चांदी का सिक्का था, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। आगे है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति आपको हुई थी राजगीर में, कहाँ हुई थी, तो राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो हम्पी, कौन प्रसिद्ध था, तो हम्पी प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे, तो समुद्रगुप्त, किसने जारी किए थे, तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर डी। 87 है कि फाहियान कौन था, फाहियान कौन था, तो चीनी तीर्थ यात्री था ये फाहियान, ह्वेन सांग और फाहियान के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे है 88 में कि आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया था, तो आश्रम व्यवस्था में आयु को 4 भागों में बांटा गया था, कितने भागों में, 4 भागों में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही। 89 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाएगा असुर विवाह, कौन सा विवाह, असुर विवाह को अच्छा नहीं माना जाता है। आगे है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है, पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में है, किसमें है, ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य, या आप इसमें उनको भी कह सकते हैं चाणक्य को, यानी कि कौटिल्य भी होते हैं और चाणक्य भी, तो 91 का हो जाएगा सी। 92 है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। 93 में कह रहा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो यह हो जाएगा विशाख दत्त की रचना है, किसकी रचना है, विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 94 में है कि कादम्बरी के लेखक कौन है, 94 में है कादम्बरी के लेखक वाणभट्ट, कौन हो जाएगा, वाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 95 में है कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो भगवत सूत और अंगोत्तर निकाय दोनों में इसका उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 96 में है कि कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है, कोसल महाजनपद सरयू नदी के किनारे स्थित है, 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही। 97 है, यहाँ से 97 देखिएगा, अब 3-4 ही क्वेश्चन है। 97 में है कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी, राजधानी थी, तो कुरु, यानी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नाम सुने होंगे, यानी कि कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। आगे है 98 में कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है 99 में, 99 में है कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में है, तो अशोक के अभिलेख जो है आपको प्राकृत भाषा में है, प्राकृत में है। आगे 100वां है कि कलिंग युद्ध कब हुआ, कलिंग युद्ध कब हुआ, तो 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ये थे आपके हिंदी के, हिंदी कह रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि आज हुए हैं, तो आप लोगों ने यहाँ तक देखा, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।